स्वागत है आपका पेंडलम यूट्यूब पे। मैं सलमान हाजिर हूँ आपके सामने अपनी सीरीज सीटेन प्लस टू का अगला वीडियो लेके, जो कि एनालिसिस है 10th of July फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 ऑफ 3/7 -1/4/15 -13/15 -5/7 -6/7 -5। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बड़ा रूल लगाएंगे नॉर्मल। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 6/7/5 वाला, तो वो आ जाएगा 6/35। तो डेट विल बी 6/35। अब आते हैं बड़े वाले की तरफ, उसके अंदर सबसे छोटा करेंगे, सबसे सॉल्व करेंगे छोटा वाला ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 19/15 -13/15 19/15 -13/15, तो ये आ जाएगा आपका 6/15। ठीक है, 6/15 आ गया इंटू फाइव बाय सेवन, डेट मीन्स ये 3 आ गया, तो 6/21। और क्या है, 3/7 है, 3/7 -6/21 आ गया ये, और ये आपका आ गया 9 - 6, दैट मीन 3/21 1/7 और 6/5 इंटू 1/7 दैट मीन 6/35 ये है, साथ में डिवाइड बाय 6/35 यहाँ पर है 6/35, और पहले क्या आया था 6/35, कट जाएगा सब, किसकी वैल्यू आ जाएगी बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रैक द पॉइंट ए इन ट्राइंगल ए बी सी मूव्स पैरेलल टू द साइड बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन बी सी। कह रहा है कोई साइड है पॉइंट ए बी, ए पॉइंट बी और सी के मूव कर रहा है पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जब ये पैरेलल टू बी सी मूव कर रहा है, तो पॉइंट अगर यहाँ पे भी आ गया, ये आ गया, ठीक है, माना हमने ये आ गया पैरेलल टू बी सी मूव करेगा, तो क्या होगा, इनका सेंट्रॉइड सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, और 2:1 में जब ये बांटेगा तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो ये लाइन जो होगी वो सेंट्रॉइड लाइन पैरेलल मूव करेगी ए के। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, सेंट्रॉइड होगा। आगे देखते हैं, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%। द रेट्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिस्काउंट्स आर 10% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द थर्ड डिस्काउंट। देखिए 10% है, लिख सकता हूँ मैं इसको 1/10, और 4% है, लिख सकता हूँ उसको 1/25। ठीक है, 10 की चीज 9 में बेच रहा है, 25 की चीज 24 में ले रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा थर्ड डिस्काउंट उसको, और इक्विवेलेंट कितना मिल रहा है, 100 की चीज 81% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ मुझे 100 पे पहुँचना है, तो 10 × 25 × x की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2/5, x की वैल्यू होगी 2/5, तो ये तो आ गया आपका 2/5, यहाँ पहुँचना है 81 पे। ठीक है, 9 × 24 × y = 81। ठीक, ये आ गया 9, y क्या आ गए 3/8। ठीक है, तो यहाँ से 2/5 से 3/8 का डिस्काउंट मिल रहा है, मींस कितने का मिल रहा है, 2/5 -3/8 डेट मीन इट इज 1/40। 1/40 का डिस्काउंट मिल रहा है 2/5 से, तो 1/40/2/5 × 100 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 16, 100/16 40/20। ठीक है, 100/16 कितना आ गया, 6.25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी फ्रॉम ए, इफ एंगल बीएसी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन रेशियो ऑफ ए बी स्क्वायर इज टू ए सी स्क्वायर। ये कह रहा है कोई ट्राइंगल है जहाँ पे 90 डिग्री क्या है ए है, तो ए बी सी, और साथ में कह रहा है कि ए डी कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है बी सी पे, बी सी पे। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा ये गया है कि ए बी रेशियो ए सी, ए बी स्क्वायर रेशियो, ए बी स्क्वायर रेशियो ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए सी स्क्वायर कितना होगा। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल में ए बी डी में, ठीक है। तो क्या होगा, ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी डी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए डी स्क्वायर करो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ठीक है। ए डी स्क्वायर का अल्टरनेस बी डी इंटू सी डी। अब देखिए ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए सी स्क्वायर पूछा गया है, अगेन ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी इंटू सी डी, अगेन बी डी इंटू सी डी। तो यहाँ पे आपका बी डी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा सी डी, सी डी प्लस बी डी कॉमन आया यहाँ पे, सी डी प्लस बी डी, और यहाँ पे आपका क्या आया कॉमन, यहाँ पे आपका आया सी डी कॉमन, तो ये बचेगा सी डी कॉमन आने के बाद बी डी प्लस सी डी, ठीक। पूछा क्या गया, ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा बी डी, बी डी कट जाएगा, बी डी ये पोर्शन पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या बी डी अपॉन सी डी, तो बी डी अपॉन सी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज 22,000, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, अदर एट लॉस ऑफ 12%, द ओवरऑल गेन ऑन द ट्रांजैक्शन इज 1.2%, द कॉस्ट प्राइस फॉर व्हिच देयर वाज अ प्रॉफिट। देख रहा है एक को मैं बेच रहा हूँ 12% पे, एक को मैं बेच रहा हूँ लॉस के 12% पे, और जो हो रहा है ओवरऑल क्या हो रहा है 12% का प्रॉफिट, 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है, डेट मीन्स मिक्सचर रिएक्शन रूल लगा देंगे, ये आ जाएगा 10.8, ये आ जाएगा 13.2, इसको काटेंगे ये आ जाएगा 11:9, 11:9 आ जाएगा, 20 यूनिट शो कर रही है 2000 को, 20 यूनिट शो कर रही है 2000 को, 1 यूनिट शो करेगी आपकी 100 को, और ये आ जाएगी 1100, 1100 को, ठीक है। तो प्रॉफिट किसी बात हो रही थी, लॉस की बात हो रही थी, लॉस वाला 900 में रहेगा और ये प्रॉफिट 1100 में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल, फोर ऑफ साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos square theta इज इक्वल टू 13। देखिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 ऑफ 2 sin square theta प्लस 2 sin square theta, 2 sin square theta प्लस 5 cos square theta इज इक्वल टू 13 लिख सकता हूँ मैं, 7 को तोड़ लिया दो और दो में, क्योंकि ये बन जाएगी आइडेंटिटी, sin square theta प्लस cos square theta की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आएगा 4 इंटू 2 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13, तो दिस विल गिव 88, 8 प्लस 20 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, तो ये रहेगा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, और 1/2 कहाँ पे होती है, 60 पे होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है बॉय स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक फाइंड्स दैट एन अप ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 8 सेकेंड्स एंड अ डाउन ट्रेन ऑफ ट्वाइस द लेंथ ऑफ दैट ऑफ द अप ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 20 सेकेंड्स।
हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। देखिए कह रहा है कोई लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन एक जा रही है उसको क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो जाएगी आपकी एक्स, मैंने लेंथ मानी ट्रेन की, अगर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन भी एक्स, तो एक्स मीटर अगर ये होगी, एक्स होगी तो एक्स अपॉन कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है इसको, 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड आ गई फर्स्ट ट्रेन की एक्स बाय 8। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड ट्रेन है, डाउन ट्रेन है, जो कि ट्वाइस द लेंथ है, मीन्स की 2x है, ट्वाइस द लेंथ है मीन्स की वो 2x है, क्रॉस कर रही है उसको 20 सेकंड्स में, डेट मीन्स स्पीड कितनी आ जाएगी डाउन ट्रेन की, ये अप ट्रेन और ये स्पीड ऑफ डाउन ट्रेन कितनी आ जाएगी 2x बाय 10, 20, डेट मीन्स x बाय 10। अब कहा है कि वो कितना टाइम लेंगे आपस में क्रॉस करने में, देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, दोनों की एड हो जाएगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन ट्वाइस द लेंथ, क्वेश्चन हाउ लॉन्ग ट्रेन इज द, देखिए अब क्या होगा ये यहाँ पे 3x हो जाएगी लेंथ तो ऐड हो जाएगी और स्पीड भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, x बाय 10 प्लस x बाय 8, तो ये आपका आ गया 40 LCM, LCM 40 आ गया, 3x अपॉन ये आ गया आपका 40, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x प्लस 5x मीन्स 9x बटे 40, तो 40 हो गया ऊपर, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो 40 बाय 3, एक्सेस कैंसिल हो गया, 40 बाय 3 डेट मीन्स 13 1/3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 ABC and C आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 152, वैल्यू पूछी गई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी की, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC है, तो मुझे क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, कितना पता है 152, और क्या पता है मुझे ए प्लस बी प्लस सी पता है, बीस तो उसका होल स्क्वायर कितना था 400, तो यहाँ से कर देंगे माइनस हम और यहाँ आ जाएगा 2 ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, तब इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 248 इज इक्वल टू में 2 ऑफ डिवाइड कर देंगे 124, AB प्लस BC प्लस CA इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सुन डिस्प्ले हो रहा है, पढ़िए इसको। 16 men working 12 hours a day can complete a work in 27 days. 16 men 12 hours a day can complete in 27 days. How long for how many days? Then working for how many days? How many hours a day can complete? 18 men can complete the work in 24 hours. देखिए x into 18 into 24. ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, ये काट लेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, दिस विल बी 6 9 2 3 और ये 24, 4 और 12, तो कितना आ गया x की वैल्यू 12, ठीक है 12 लगे, हाउ मेनी आवर्स 12 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, साइन की पावर 153 प्लस कॉसेक की पावर 253 थीटा वैल्यू पूछी गई। देखिए ये तरीके से x प्लस 1/x लिखा हुआ है, अगर x प्लस 1/x लिखा हुआ है तो दोनों की वैल्यू अगर 2 दे रखी है, कहीं भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी वैल्यू पूछ ले वो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो कुछ भी उसकी पावर लगा दे, हमेशा आंसर कितना होगा 2 होगा, जिसका आंसर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। आगे उसने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगर नेगेटिव दे दे, पॉजिटिव दे, कोई भी वैल्यू चेंज कर दे, आंसर कितना होगा 2 होगा उसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3 माइनस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 है इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस, और तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। देखिए एक्स प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू में 0 है, ठीक।
फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू 0। कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू 0 होगा, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ मैं कर सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई, इसका होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, जब ये होल क्यूब में जाएगा तो 1/3 और 3 कट जाएगा, इस पर पुट करूंगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 × x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे बेस अगर डिफरेंट की पावर सिंपली होल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 3/2 x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, इसको होल क्यूब कर लेंगे तो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, लिख दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इसको थोड़ा करके टी मान लूँ अगर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका होल क्यूब कर लेंगे, इसका होल क्यूब कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू में 27/8 इंटू टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी आपकी ये। ठीक है, तो ये थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का होल क्यूब, इनकी ये वैल्यू थी और साथ में 3 ABC थी, तो ये आ जाएगा, इसको मैंने टी मान रखा है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3T इज इक्वल टू में 27T। ठीक है, टी को मैंने मान रखा है दिस 327/80, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 27T/8 माइनस थ्री टी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3/8T। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, टी के क्या मतलब करता है, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, तो 3/8 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1, 2, 3, 4 नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। देखिए एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर्स हमेशा सेम होता है, सेम दे रखा है तो इस क्या आएगा भाई, ऑड आएगा। ठीक है, एन ऑड नंबर्स का हमेशा एवरेज एन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या करें, ए बोरोस अ सम ऑफ रुपीज 1000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31 December 2015 ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 year विद सिंपल इंटरेस्ट एट 12%। हाउएवर ही A gets into a position of returning the money on 1 May 2016, how much amount he has to return to B? देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 1000 रुपए वो लेता है और कंडीशन रखता है कि वो एक साल बाद रिटर्न कर देगा 12% में, बट वो 4 महीने पे ही मतलब 1 मई पे ही वो रिटर्न कर देता है। तो 31 दिसंबर को लिया उसने और 1 मई को रिटर्न कर दिया, मीन्स मई का तो काउंट होगा नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का काउंट होगा, तो रेट क्या हो जाएगा 12% और मंथ हो गया कितना 4/12। ठीक है, अपॉन 100 40, तो 40 रुपये तो इतने इंटरेस्ट ही होंगे। पूछा उसने कितना अमाउंट वो या कितना मनी वो लौटाएगा, तो 1000 रुपये लिए थे प्लस 40 रुपये इंटरेस्ट दिए, मीन्स 1040 रुपये लौटाए उसने। क्लियर है बात, 1040 रुपये, क्योंकि मे का काउंट नहीं करेंगे, जनवरी 1 से काउंट होगा और अप्रैल लास्ट तक। नेक्स्ट बोलते हैं क्या कह रहे, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 and 13। देखिए 7, 11 and 13 से कौन सा नंबर ऑप्शन में से
एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका एलसीएम आएगा 7 × 11 × 13 का एलसीएम आएगा 1001। तो 1001 का मल्टीपल जो भी होगा वो नंबर, अब देखिए ऑप्शन देखिए, 14982 मल्टीपल नहीं है, 15004 मल्टीपल नहीं है, 14993 मल्टीपल नहीं है, 15015 ही मल्टीपल है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15015 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 15015। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्या है, 12 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 1 यूनिट आर यूज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कह रहा है 12 स्टिक्स है मेरे पास, हर एक की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो तीन साइड होती है ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी, ठीक, ए बी सी को ट्राइंगल बनेगा, तीनों साइड इक्वल होंगी, जब इक्वल होंगी तो 12 टोटल स्टिक्स हैं, तो एक साइड पे कितने स्टिक्स आ जाएंगी आपकी, 4 आ जाएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मीन्स 4 लेंथ की जो होगी, 4 सेंटीमीटर की, 4 यूनिट की जो होगी वो साइड होगी। एरिया क्या होता है, √3/4 × 4 × 4, √3/4 ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना देगा, 4√3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ₹8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट दे रिसीव नोट्स 500, 200, 100 रिस्पेक्टिवली, द अमाउंट रिसीव बाय देम आर इन द रेशियो 15:2:3। अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो रेशियो है 15:2:3। वॉट वॉज द रेशियो नंबर ऑफ नोट्स 500, 200 और 100। देखिए जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो अलग होता है, यहाँ पर डिफरेंट पूछा गया है कि यहाँ पे कहा है कि अमाउंट वो रिसीव कर रहा है, रेशियो उसका है 5:2:3 और टोटल अमाउंट कितना है 8,000 है, ठीक है, 8,000, तो ये कितना आ जाएगा 20 यूनिट दिखा रही है 8,000 को, तो 1 यूनिट कितना दिखाएगी भाई, 20 से कट गया 400 को, अब 1 यूनिट दिखा रही है 400 को, 15 नोट मिले हैं इसके, और 400 को कितने रुपए मिले होंगे इसको, 15 × 60 ₹6,000 मिले होंगे, ठीक, ₹6,000 मिले होंगे 500 की नोट्स के। उसके बाद कह रहा है इसकी रेशियो कितना होगा, 800 मिले होंगे इसको, और इसको मिले होंगे 1200, 100 के नोट से 800 है। अब देखिए ये 5,000 की नोट है, ये आपकी 200 की नोट्स है, और ये आपकी 100 की नोट्स है, तो नंबर ऑफ नोट्स मालूम पड़ जाएगी, यहाँ से नंबर ऑफ नोट्स कैसे मालूम आएगी, इसको 500 डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12, इसको आप डिवाइड करेंगे 200 से कितनी आ जाएगी, 4, इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगी 12, तो रेशियो कितना आ गया नंबर ऑफ नोट्स का, 3:1:3, ठीक है भाई, पहले अमाउंट में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है उससे थोड़ा ये अलग होती है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब टू अ सर्किल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू दैट इट्स पोर्शन नॉट कवर्ड बाय द हेक्सागन। कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर एक हेक्सागन बन रहा है 6 × 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, ठीक है, 6 हेक्सागन बन रहा है, कह रहा है एरिया कवर्ड बाय द हेक्सागन। देखिए कोई एक सर्किल है, सर्किल का मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है ये, तो ये साइड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी रेडियस के इक्वल, रेगुलर हेक्सागन उसके बन रहा है तो रेडियस ऑफ सर्किल और साइड ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल, तो ये इक्वल होगी, तो पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ सर्किल। हेक्सागन का एरिया क्या होता है, √3/2 ए स्क्वायर। अब कहा है कि कितना रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये आ गया, एंड टू दैट ऑफ द इस पोर्शन नॉट कवर्ड बाय, नॉट कवर्ड बाय तो ये पोर्शन आपका नॉट कवर्ड बाय होगा, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्किल को से एरिया ऑफ हेक्सागन माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा यहाँ पे पाई ए स्क्वायर माइनस √3/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी कॉमन, तो दिस विल बी 2π − √3/2, ठीक, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 2π / √3, एक सही आंसर क्या होगा, 2π / √3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि a प्लस वन बाय ए की इज इक्वल टू में टू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर फोर माइनस वन बाय ए की पावर फोर। देखिए a प्लस वन बाय ए की वैल्यू टू है, तो उसके बाद कुछ भी पूछे वो, तो a की वैल्यू वन होगी यहाँ पे, तो a की पावर फोर वन हो जाएगा, माइनस वन बाई पावर फोर वन हो जाएगा, किसकी हो जाएगी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 4.8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग सेंटर। लेकिन कह रहा है कि सर्कल दैट डज नॉट इंटरसेक्ट मतलब कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर, मीन 6.1 का 5 का होल स्क्वायर। अब 6.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए 65 है, 65 50 में कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो हम 25 में 15 को कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 40, और 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो इस दो को मैं इधर लिया हूँ 225, तो ये हो जाएगा 4225, ठीक है 4225, और एक पॉइंट भी, तो ये हो जाएगा 42.25 माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है 2.4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.6, 1.6 मींस कि 2.56, 16 का होल स्क्वायर इज 256, तो 2.56 ये आ जाएगा आपका 39.69 होल स्क्वायर ऑफ 63, उसका आंसर कितना रहेगा 6.3। क्लियर है बात, 6.3 का राइट आंसर। क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ना देखिए, क्लियर लाइन कही हुई थी कि द टेंजेंट विच डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज बाय 20% बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाय 15% ओनली, बाय व्हाट परसेंटेज शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस टुवर्ड्स टी। देखिए 20% मतलब होता है आपका 1/5 और 15% मतलब होता है 3/20, मींस प्राइस अगर पहले 5 था तो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है 6 हो गया है, और ये कुछ कंजम्पशन रहा होगा, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया है 20 से 23 हो गया है। देखिए प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू में क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर, तो यहाँ मुझे पहुँचना है 20 पे, यहाँ से 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पहुँचना है मुझे 23 पे, 23 है प्राइम नंबर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 23/6 से, मीन्स 4 की चीज़ 23/6 पहुँच रही है रिड्यूस, ठीक है, उतना वो रिड्यूस कर रही है, तो कितना रिड्यूस कर रही है 4-23/6 मीन्स 1/6, 1/6 रिड्यूस कर रही है, 1/6 कर रही है आपकी 4 से 100 पे कितनी, ये आ जाएगी 100/24 डैट मीन्स कि 4.2%, ठीक है 4.2% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द रन स्कोर्ड, द स्कोर्ड ए जो है वो रन स्कोर दे रखा है आपको डीआई में, देखिए ए दे रखा है रन स्कोर एंड बी स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैट्समैन 5 मैचेस, स्ट्राइक रेट इज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 100 बॉल्स फेस, द रेट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड ओनली व्हेन द बैट्समैन स्कोर एटलीस्ट 30 इन अ मैच। देखिए स्ट्राइक रेट या रेट तभी रिकॉर्ड में आएगा जब बैट्समैन 20 रन से ज्यादा वो स्कोर करेगा, तभी वो रिकॉर्ड में आएगा। पहला क्या, व्हाट इज द एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन, एवरेज स्ट्राइक रेट क्या है बैट्समैन की, देखिए एवरेज स्ट्राइक रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा 90, उसके बाद हो जाएगा 75, लेकिन यहाँ पे रन स्कोर 20 है, 30 से कम है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, जब ये काउंट नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 290 और प्लस 75 365 बाय 4, क्योंकि वो वाला फोर्थ वाला काउंट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन में रखा है काउंट नहीं करेंगे अगर 30 रन से कम बनाया होगा 90.525 पर, ठीक है 91.25 एवरेज आ जाएगा इसका। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है
इन हाउ मेनी बॉल्स डिड द बैट्समैन फेस इन द थर्ड मैच. देखिए कितनी बॉल फेस करा थर्ड मैच में. थर्ड मैच में ए आपसे कहा गया है और बी कहा गया है. ए कहा गया है रन स्कोर्ड और बी कहा गया है स्ट्राइक रेट. देखिए रन स्कोर 30 है और स्ट्राइक रेट कितना है उसका, स्ट्राइक 75. स्ट्राइक रेट ये होता है कि उसने कहा है कि कितने बॉल फेस कर रहा है, मींस कि 75 रन बनाने में 100 बॉल्स फेस कर रहा है. तो वन रन में कितना आएगा 100/75, ठीक है. और 30 में कितना आएगा 100/75 × 30. काट लेंगे इसको 4, 3, 10 और ये लेगा 40. 40 इसका आंसर आएगा. क्लियर है बात. अगला क्वेश्चन देखते हैं. There are two circles of diameters 4.8 cm and 8 cm such that the distance between the centers is 6.5 cm. What is the length of the common tangent to the circle that does not intersect the line joining the centers? Does not intersect कहा है direct common tangent पूछिए, ठीक है. तो diameters कितने हैं 4.8, radius कितनी रहेगी 2.4 cm and 4 cm. Distance कितनी रखी है आपको, direct formula होता है इसका. डिस्टेंस कितनी रखी है 6.5, 6.5 का होल स्क्वायर दैट मींस 42.5 सेंटीमीटर, 42.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना रहेगा, सॉरी माइनस दिस 2.4 सेंटीमीटर माइनस 2.4 दैट मींस आर1 माइनस आर2, 4 माइनस 2.4 का होल स्क्वायर. क्लियर बात. तो ये कितना रहेगा आपका 1.6, ये होगा 2.56. 42.25 माइनस 2.56 इज 15 में 6 9 39.69 किसका होता है 6.3 का स्क्वायर रूट होता है. तो ये जाएगा इसका 6.3. What is the average run scored by the batsman in the 5 matches? Average run score पूछा आपसे. देखिए कितना स्कोर कर रहा है वो पहले मैच में 50, दूसरे में कर रहा है वो 45, तीसरे में कर रहा है वो 30, 20, 100. देखिए 200 हो गया और 245, 245 बटे 5, ठीक है. तो कितना आ जाएगा ये 49 इज द एवरेज स्कोर बाय द बैट्समैन इन 5 मैचेस. तो ये आपकी एनालिसिस आज कंप्लीट हुई है. 10th of July फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसकी एनालिसिस थी है. थोड़ा सा पेपर डिफरेंट आया था और पेपर की वजह से क्वेश्चंस अब रिपीट कम हुए थे, चेंजेस थे क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस थे देखने को मिले आपको. तो ये सोल्यूशन कैसा लगा आपको ये हमें लिख के बताएं कमेंट में. बाकी शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. मिलते हैं इसके बाद भी शिफ्ट का एनालिसिस लेके. थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद.